सवाल नंबर 8, दो सरल रेखा है, तो आपकी ये रेखा और ये रेखा क्या है, आपके सरल रेखा है, तो M और N ये दोनों हो गई है आपके सरल रेखा है। और दो समांतर रेखा है, दो समांतर रेखाओं पर लंब है, तो मतलब ये मान समांतर, ये हो जाएगी आपके समांतर। इन समांतर रेखाओं पर दो रेखाएं लंब है, ये दोनों लंब है, मतलब लपेटी कोण बना दी, और ये हो गई है आपके दोनों लंब रेखाएं। ये तो है समांतर रेखाएं और ये है लंब रेखाएं, दो लंब रेखाएं, दो समांतर रेखा, हमें सिद्ध करना है कि दोनों क्या है, समांतर। यहां लिखो कोण एक बराबर 90 डिग्री, क्यों हुआ, लंब रेखा। नंबर दो, ये भी कितना हुआ, 90 डिग्री, ये भी क्यों है, लंब। ये दोनों 90 है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा, देख ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, ये ऐसा हो गया, ये और ये कोण बराबर, दोनों एक तरफ के, और दोनों आगे वाले या दोनों पीछे वाले, दोनों एक तरफ के, ये दोनों कोण, मैंने चतुर्भुज से बनाया, तो ये और ये कोण बराबर है, तो इसे हम कहेंगे संगत कोण, इसे कहेंगे संगत कोण। तो अगर देखो रेखाएं समांतर, संगत कोण बराबर, संगत कोण बराबर, तो रेखाएं क्या हो गई आपके समांतर, तो ये हो गया आपके नाम दो ए और बी, ये हो जाएगा ए समांतर है बी। अगर रेखाएं समांतर तो संगत कोण बराबर होता है, संगत कोण बराबर तो रेखाएं क्या हो जाएगी, समांतर। अब ये वाला, ये रेखा और ये रेखा तीनों समांतर, सवाल के जो दे रेखा ये दे रेखा है, इसके हिसाब से ये समांतर तो तीनों क्या हो गए आपके समांतर, सब समांतर। अब वाई और जेड अनुपात दे रहे, जब भी अनुपात दे रहे मतलब होता है वाई का मान ये हो गया आपके 3 के मान लो, 3 x मान लो, 3 y मान लो, और जेड का मान हो गया आपके 7 के, ये अनुपात देता है 3 × 7। अब x और जेड बराबर है, ये दोनों बराबर क्यों है, कारण हो जाएगा आपके एकांतर कोण, ये रेखा दोनों समांतर है, एक इधर का और इधर कोण क्या होगा, बराबर, कारण क्या हो जाएगा आपके एकांतर कोण, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके 7 के। अब x और y को जोड़ो तो आता है 180, ये लिखे हम अंतः कोण, नियम है समांतर रेखाओं के मध्य बनने वाले कोण का योग होता है 180, तो x का मान 7 के, y का मान 3 के बराबर 180, 10 के बराबर 180, 0 से 0 कैंसिल, तो k का मान कितना है आपके 18 डिग्री, तो k का मान है, हमें याद करना है x का मान, x का मान दे रखा है आपके 7 के, ये हो जाएगा आपके 126 डिग्री। सवाल नंबर 10, ये दे रखा चित्र, ये PQ और ये RS, ये है दर्पण, कांच दे रखा है, तो दर्पण दे रखे दोनों देखने के लिए, तो इसने कहा आपतित किरण AB, ये किरण AB PQ के B पर टकराती है, फिर वापस BC लाइन C पर टकराती है, फिर आगे जाती है D पर, तो लाइन पहले से जा रही है ये और फिर ये जा रही है, तो आपको ये बताना है कि AB समांतर क्या है CD, हमें सिद्ध करना है कि ये रेखा और ये रेखा समांतर है या नहीं। अभी वो जो क्वेश्चन नंबर हमने 7 में किया 8 में किया वही करना है, अगर ये और ये कोण बराबर कर दें, अगर एकांत कोण बराबर हो जाए तो रेखा क्या हो जाएगी, समांतर। पहले ये लेंगे हम कोण नंबर से मानेंगे 1, इसे लेंगे 2, यहां पे हुई थी, ये हो गया है कोण नंबर 3 और ये हो गया है कोण नंबर 4, ऐसे कोण लेंगे, सबसे पहले तक उत्पत्ति कोण 1 बराबर है कोण 2 और कोण 3 बराबर है कोण 4, कारण क्या हो जाएगा आपके आपतन कोण एवं परावर्तन कोण, मतलब कोई भी अगर बीच में देखो
कांच से जो टकराती है रेखा वापस जाती है तो हमेशा बीच में दो कोण बराबर बना लेती। अब मान लो ये रेखा इधर जा रही है तो वापस उतनी नहीं मुड़ेगी, हमेशा ये और ये कोण को दो भागों में बांटते चलेगी। जितनी यहाँ पर ये कोण बना उतनी कोण ये होगा, तो जो रेखा टकराएगी तो बीच में दो एक लाइन बनाएंगे बीच में जो आपको बराबर दो भागों में बांटती। आपतन कोण और परावर्तन कोण, जाते समय और आते समय दोनों कोण हमेशा क्या होते हैं आपके बराबर। अब यहां मानेंगे ये हमें लगता डिग्री है आपके 90 डिग्री, ये वाला मतलब कि ये नाम तो आप L और ये हो गया M, BL व CM क्या हो गया आपके लंब हो जाएगा, सीधा है बिल्कुल सीधी और सीधे होता है हमेशा, लंब से ही कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो इसमें आपके दो और तीन क्या होगा आपके बराबर, कोण दो बराबर है कोण तीन, देखो ये और ये कोण 90 डिग्री, तो इसका मतलब क्या हुआ रेखाएं क्या हो गई है आपके समांतर, ये भी 90 ये भी 90 संगत कोण हो गए। तो एक इधर का उसमें भी ये भी इधर का ही कोण है, तो आपके ये कोण ये और ये का समांतर है तो ये कोण इधर का और ये कोण इधर का दोनों क्या होंगे बराबर, ये हो जाएगा आपके एकांतर कोण। अब इसे मानेंगे समीकरण नंबर एक और ये हो गया समीकरण नंबर दो। समीकरण नंबर एक व दो से कोण नंबर एक किसके बराबर है, कोण नंबर दो के, कोण नंबर दो किसके बराबर है कोण नंबर तीन के, कोण तीन किसके बराबर है कोण चार के, सभी कोण बराबर हो गए। अब क्या करेंगे एक दो को जोड़ेंगे इधर, तीन चार जोड़ेंगे इधर, तो कोण एक प्लस दो बराबर होगा कोण तीन प्लस कोण चार, क्यों चार बराबर है तो दो इधर लिखती है दो इधर लिखती है। अब ये दोनों बराबर है, अब ये दोनों बराबर है इसका मतलब क्या हुआ आपके एक और दो ये कौन कौन सा बनता है एबीसी, और तीन चार क्या बनता है बीसीडी। जब ये दोनों कोण बराबर रेखाएं क्या हो जाएगी आप समांतर, आप चाहो से एकांतर कोण लिख सकते हैं, यानी तो यहां पर आधे आधे कोण जोड़ दिए, दो इधर जोड़े दो इधर जोड़े चारों बराबर है तो दो इधर जोड़ दो इधर जोड़ दिए मान भाग बराबर रहेगा, एक और दो का मान होता है एबीसी और ये होता है बीसीडी, तो ये और ये का क्या होगी समांतर। अतः ए बी समांतर क्या होगा आपके सीडी हो जाएगा। अब ये वाला हम करेंगे पहले रचना, क्या रचना करेंगे हम पी क्यू आर एस, एक और ले लो आपके ऐसा ले लो क्या नाम एक्स वाई दे रखा है ए बी ले लो, ए बी समांतर पी क्यू समांतर आर एस, हमने एक लाइन दी थी तो ये जो लाइन दे रखी है आपके इसके और इसके समांतर है उपपतिन। पहले ये वाला कोण और ये वाला कोण का नाम आप ले सकते हो जैसे कुछ भी एक्स वाई तो दे रखा है जेड दे रखा है आप चाहो मजे तो ले लो, जैसे मान लो ए बी हमने ले लिया यहाँ क्या आ जाएगा छोटा सी और छोटा बी, आप चाहो छोटा एक्स वाई लिख सकते हो छोटा एक्स वाई, ये तो बड़े वाला हो गया एक्स वाई, ये छोटे वाला एक्स वाई भी लिख सकते हो। अब उपपत्तिन क्या करेंगे हम एक्स प्लस 135 का जो मान है वो होता है आपके 180, ये समांतर रेखा ये काट रही है तो दोनों अंदर वाले कोणों का योग कितना होता है आपके 180, क्या होता है अंतः कोण। हमने ये दोनों समांतर लिया है ए बी समांतर पी क्यू और ये है आपकी तीर्थ रेखा। अब उसको उधर भेज दो, x का मान क्या आएगा 180 माइनस 135 ये हो जाएगा आपके 45 डिग्री, ये छोटा x का हुआ है। अब ये और ये बराबर है, y का मान क्या हो जाएगा 40 डिग्री, ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर क्या होता है रेखाएं समांतर है तो एकांतर कोण क्या होते हैं बराबर, एक इधर से और एक इधर से, ये हो गया आपके एकांतर कोण। तो हमें क्या करना है m x m y, बड़ा एक्स बड़ा एम और वाई, तो ये एक्स और वाई दोनों जोड़, ये 45 प्लस 40 ये हो गया आपके 85 डिग्री।